हेलो फ्रेंड्स, बिग मे चैनल, कैसे हैं आप लोग। और ये देखो, मैं हूँ तैयार होके बैठी हुई हूँ और ये वाली वीडियोस है एंगेजमेंट की। तो हम सब बैठे हुए हैं, सब तैयार हो रहा है। मैं सबसे पहले तैयार हो गई थी, बस मुझे उस साइड वाले घर में जाना था इसलिए। और ये सिस्टर बैठी हुई, इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। और सब लोग एक दूसरे को तैयार कर रहे हैं। और ये बुआ जी का बेटा बैठा हुआ था साइड में मेरे, वो उसका काम चल रहा था ऑफिस का। तो क्योंकि थोड़ा लेट जाना था, वहाँ पे पास में ही था, तो सब लोग अपने धीरे धीरे आराम से कर रहे थे। और बस मैं फिर भी वहाँ पे जाने वाली थी, तो मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी क्योंकि बोला था कि जल्दी तैयार होना है। और तो वहाँ पे जहाँ एंगेजमेंट पे जाना है, वहाँ पे गोद भराई की, एंगेजमेंट की सारी रस्में होनी थी, जो मतलब कहीं पहले 2-3 दिन पहले होनी थी बाहर, वो कोरोना की वजह से नहीं हुई थी, तो गाँव में ही करी थी। गांव में एक जहाँ पे शादी होती है, पहले वहाँ दिन में एंगेजमेंट कर ली थी और फिर बाद में ही हमने ये शादी की थी। और फिर मैं यहाँ पे घर पे आ गई थी, अम्मा वाले घर पे। और ये देखो आके खड़ी है बुआ जी की पोती को लेके, उनकी 2 पोतियाँ हैं, बड़ी क्यूट क्यूट सी हैं एकदम से। और बस सब चलने की तैयारी कर रहे थे और मैं तो ऐसे ही राउंड लगाने के लिए आई थी, मैं देखती हूँ सब तैयार होगे नहीं होगे। और सब चलने की तैयारी भी करने लगे थे यहाँ से। और बस मैं मास्क भूल गई थी, फिर मुझे वापस जाना पड़ गया था मास्क लेने के लिए, उधर ही रखा था मेरा मास्क भी। और बस वहाँ पे गई थी और फिर सब यहाँ तैयार हो चुके, जाने की तैयारी करने लगे थे। तो बहुत जल्दी जल्दी सब काम होते, उसी दिन ही सारे काम थे। बस आप लोग ये सोचो, एंगेजमेंट भी, शादी भी, बात भी, रिंग सेरेमनी भी, मतलब लघु चढ़ी भी, एक दिन में सारे काम करने पड़े थे। ये शादी हमें याद रहेगी और इस शादी से आके हम लोग बीमार हो गए। मतलब हाँ, तो बीमार नहीं कोई कह सकता कि वहाँ से हुए हैं, क्योंकि ये चीज़ तो कहीं भी हो सकती है। पर यह है कि जब से बीमार हो गए और ना तो कोई लड्डू भी खाया उन्हें शादी का, तो ऐसे ये शादी हमेशा हमेशा हमें याद रहेगी। और बस सब लोग तैयार हो चुके हैं और जाने की तैयारी करने लगे हैं। काओ 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 है ना वो, अरे ये काओ गया, अरे लज गया, निकाली बाकी ओले ओले ले ले छोटू ए ए ए, ए और गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज है मेरे कज़न की एंगेजमेंट, तो वहाँ जा रहे हैं और शाम का शादी, तो बहुत हौच पुच हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो हम कभी इधर कभी उधर बस यही दौड़ते रह रहे हैं। देखो छोटी सी, ये मेरी बुआ जी की पोती है, छोटी सी है। और ये बाकी तो बस मैंने साड़ी पहनी है, शाम को देखती हूँ चेंज करूँगी नहीं करूँगी, क्या टाइम होगा कुछ नहीं पता। और हाँ, और आपको नए घर का मैं देखती हूँ, अलग से वीडियो बनाऊँगी तो टूर डाल दूँगी जो घर पे बनाए हैं, हम मेरे पापा ने दूसरा यहाँ पे बनाया है। और धूप बहुत तेज़ हो रही है और अभी जा रहे हैं एंगेजमेंट है, गुड भाई है। और उसके बाद फिर आएंगे, फिर यहाँ पे घुड़चड़ी होगी, भात होगा और फिर शादी है, मैं जाएंगे फिर से जाएंगे। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि कोरोना के चक्कर गाजियाबाद में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर था पहले प्रोग्राम जो था, लेकिन अब गाँव में इतना नहीं है कुछ भी ऐसे यहाँ पर, तो इसलिए इस साइड का प्रोग्राम रखा है। और तो तभी हमने मास्क यहाँ घर में सोची, अब वहाँ जाएंगे तो वहाँ मास्क लगाना पड़ेगा। मैंने सोचा चलिए आप लोगों से इतने में बातें कर लेती हूँ और अपने गांव की गली मोहल्ले दिखा देती हूँ थोड़े से। धूप में तो पूरा सुनसान सा हो जाता है यहाँ पे, वहाँ तो सुनसान तो वहाँ भी होता है शहरों में भी, पर ये यहाँ चल पहल सी लगी रहती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हो अरे चुटंगी इसे कितनी प्यारी लग रही है, दो चोटी करके। और हम आगे घर पे अपने, और ये है पापा का घर जो है बना अभी नया वाला। और यहाँ पे सामने है हमारा मंदिर, वैसे अलग से अच्छी सी वीडियो भी आपको बना दूंगी। ये मंदिर बनाया है यहाँ पे, ये पूरा होल है, ये सीढ़ियाँ जाने का है, ऊपर का रास्ता है। और ये यहाँ पे रूम है, ये यहाँ रूम है। और ये है किचन, इसकी लाइट नहीं खुली, पता नहीं कौन सी है, ये किचन है। तो अंधेरा हो रहा है, लाइट का स्विच का मुझे इसका पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे है।
मैंने सारे स्विच ऑन कर दिए हैं, खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई खुल गई। ये देखो अभी सब काम हो रहा है शादी का, थोड़ा सा इधर भी उधर भी है, और ये यहाँ पे पूरा किचन है, अभी वुडवर्क नहीं हुआ है, और ये एक यहाँ लॉबी है, और ये ड्राइंग रूम में पापा सो रहे हैं इस साइड में, ये ड्राइंग रूम है, और यहाँ सब बैठे हैं वो मस्ती कर रहे हैं। देखो, देखो क्या हो गया क्या हो गया, गिरी कर ले हाँ। और ये मैडम जी अभी तैयार नहीं हुई है, कजन मेरी ये अभी तैयार, ये कौन है, ये है दीपिका एंड शिवांगी एंड संगीता, अब सारे एंड कर दे, देख लो इधर दीपिका, अच्छा अरे तू इधर क्या देख रही है, उधर को उधर कर ले, चल चल मैं अपनी नहीं खींच रही लो, अरे चलो भाई चलना नहीं है, चल आप ही देख लो बेटे निकाल रहे, तू भी कोई ना निकल ले पहले, तो मैं तो जूते भी ना पहनूं, तू भी परे हो रहा है, चलो चल से गया आ जाओ, चलो बच्चों ये फ्रंट का है हमारे घर का फ्रंट, गाँव के घर का फ्रंट बैक बैक पैक है और हम चल दिए अपनी गाड़ी निकाल ली है पीछे जाओ, हाँ हाँ चलो इधर कैसे घूम रहे हैं ऊपर जी, शाम की तैयारी चल रही, सुबह की तैयारी चल रही, नहीं हुआ कुछ भी है, हम तो सोचे हम लेट हो गए, इसने मेरा लाइनर भी नहीं लगाने दिया, अच्छी बात, तो सारी चीज़ पकड़ाई थी मैंने, तो हल्ला मत काट रहे ना, चलो हाँ ये देखो ये लड़की इतनी डरती है ना, डबल डबल वास लगा रखे इसने, पता तुझे भी कहाँ, अच्छा बस हम लोग आ गए, और ये देखो ये है दुल्हन, और हमारी पिक्स खींच रहे हैं, तो मैं आई थी देखने के लिए, तो फोटोग्राफर बोले लगा आप भी आ जाओ और मास्क हटा लो, सब ने मास्क लगाए हुए थे क्योंकि बहुत डर था कोरोना का, तो यहाँ से लग रहे थे जैसे कहीं हॉस्पिटल में बैठे हों, क्योंकि सब ने मास्क ऐसे पूरा पैक होके बैठे हुए थे, जब जब फ़ोटो खींचने थे बस जब जब सबने मास्क हटाए थे अपने, क्योंकि डर तो लगता है, ये डर क्या बस देखो हमारे ही को हो गया, कुछ नहीं पता कहाँ से क्या, सबने पूरी सेफ्टी रखी थी, तो इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और बस सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब बैठे हैं, और उसके बाद सबको टेंशन भी हो रही थी जाने के बाद में, अभी बहुत काम है, घुड़चड़ी है, भात है, सब कुछ है, तो सब वो भी करना है, तो अभी ये हो रही थी इनकी गोद भराई की तैयारी, तो सबसे पहले गोद भराई हुई थी, तो गोद भराई में सारी लेडीज़ें गई थी स्टेज पर, और सबने अपना अपना काम बड़े बखूबी निभाया था, जो होता है लेडीज़ों का गोद भराई का, जो करते हैं रीति रिवाज, आपके भी और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मुझे कमेंट के ज़रिए ही पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ, और हमें जितने भी यहाँ स्टेज पे बैठे हैं ना, घर की बहुएँ और बेटियाँ बैठी हुई हैं सारी, बाकी मम्मी वगैरह लोग सब उधर बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आप लोग बड़े हो गए तो आप लोग देखो, तो बस यही सब कर रहे हैं, तो भाभियाँ सारी और हम लोग सिस्टर्स वगैरह सब लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं, तो सब लोग वो रस्म करने लग रहे हैं, तो बस उसके बाद में सब चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद एंगेजमेंट स्टार्ट हो जाएगी। Thank you.
भी सगाई होके हटी है, तो सगाई में जो देते हैं गोद देते हैं जिसको, तो उनको गोद दी है, मेरी मम्मी है जिनको गोद दी थी, तो उससे पहले सगाई भी थी। हाँ सगाई भी थी तो मैं भूल गई थी, सगाई भी हुई थी साथ में। तो इतने सारे प्रोग्राम एक ही दिन में आपने कहीं देखे हैं या करे हैं या मतलब मुझे बताना ज़रूर कमेंट करके। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे इतने सारे प्रोग्राम इतने एक साथ देखे हैं, कोरोना के सब कुछ करा दिया है। तो ऐसे करके वो गोद में मम्मी को दे गए और उसके बाद में फिर एंगेजमेंट की तैयारी हो जाती है। और सगाई में जो होते हैं सारे जेंट्स लोग बैठते हैं, तो सब लोग जेंट्स लोग जो थे वो सब बैठे थे, तो सगाई हुई थी। और ये देखो दुल्हन आ चुकी है, अब होती है एंगेजमेंट की तैयारी। तो यहाँ एंगेजमेंट की तैयारी स्टार्ट हो रही है, एक दूसरे को रिंग पहनाएंगे और ये रिंग पहना रहे हैं। तो बस इस तरह से रिंग पहना ली थी और बस इस तरह से रिंग का जो प्रोग्राम था वो हो गया था। बस अपने उसके बाद फिर ये प्रोग्राम फिनिश हो गया, फिर घर गए। उसके बाद में वहाँ पे भात की तैयारी हुई, घुड़चड़े की तैयारी हुई। तो भात में मैं थोड़ी भात और घुड़चड़े में मैं अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि इतना होच पोच हो रहा था ना, तो हम भी थक गए थे। तो बस भात में तो ये हुआ, हम जब तक पहुँचे तक भात हो गया, घुड़चड़े जब तक तैयार हुए तो घुड़चड़ी हो गई, ऐसे करके काम हुए थे। मतलब हम तैयार भी नहीं हो पाए, जब तैयार होके तो घुड़चड़ी होके स्टार्ट मतलब ख़त्म ही हो गई थी, ऐसे काम हुए थे। तो वैसे ही हो जाता है, एक दिन के प्रोग्राम में इतनी जल्दी जल्दी नहीं हो पाता, तो आदमी थक भी जाता है। और बस उसके बाद में फटाफट से सारे काम हो गए थे। आप लोग इंजॉय कीजिए वीडियो को, आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और अब मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, लेकिन बोलते थोड़ा सा तो लगता ही है, चढ़ता ही है, अभी थोड़ा सा है। कभी खांसी स्टार्ट हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें चल रही हैं, तो वो चीज़ें होंगी। और ये हम बाद में एंड में पिक्स खींच रहे थे, और जो दुल्हन को दिया जाता है गिफ्ट, मैंने लिफाफे में करके उनको दे दिया था। और ये हम रील घर पर हमने रील बनाई थी, तो हम लोग शॉर्ट जो स्लो वीडियो थे वो बना रहे थे, और ये बच्चों ने बनाई थी। तो मेरे को ज़्यादा एक्शन वैक्शन तो आते नहीं है, जितना आता है बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, वो थोड़ा सा करके बस शो कर लिया था बस। और बस ऐसे ही होता है एंजॉय, और क्या होता है फैमिली के, अपना अपना एंजॉय करो और बस मज़े लो, टाइम का कुछ नहीं पता। और ये मेरे पापा हैं, मैं पापा के साथ फ़ोटो खींच रही हूँ, और पापा जब भी थे वहीं पे थे, तो हमने सबने पिक्स खींचे हैं। और ये डीजन ऐड की पिक्स रह गई थी, मैंने आपके साथ शेयर करी है, मैं भूल गई थी डालनी, तो मैंने अब डाल दिए हैं। और साथ में ये वाले जो अब वाली पिक्स हैं एंगेजमेंट वाली, जो हमने सात बच्चों ने खींची थी, तो वो सारी इसी में है। शायद एक इससे आगे वाली वीडियो में आपके साथ इंजॉय करूँगी। और ये देखो सारी मेरी कज़न सिस्टर, मेरी भतीजियाँ, ये दोनों मेरे भतीजियाँ हैं और मेरी बेटी है। तो ऐसे करके हम लोग पिक्स वगैरह खींच रहे थे, इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, और सब लोग अपना तैयार होने पर लग रहे थे। स्टार्टिंग थी वीडियोस और पिक्स वगैरह जो भी था, तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट करके मुझे बताना, और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना जिन्होंने नहीं किया हो, और जिन्होंने कर रखा हो दोबारा मत करना। तो चलिए बाय, थैंक यू सो मच, और आप घर में रहिए, सेफ रहिए।